रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या दो बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में दो बार चढ़ाओ, हफ्ते में एक बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में दो बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया आया। जैसे ये शिवलिंग इस पर जल चढ़ाया है, ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर एक पत्ता जल धारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर गर्भ लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। पर होना गाय घी की देखिए आप लोगों, जम के वो तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धारा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। पत्ती शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को कब कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अभी हम समझ लें। उसको शमी की पत्ती संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान आप समझे उसको। जैसे ये शिवलिंग है जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, शिव जी की पुत्र बेटियां।
अब जब देवाधिदेव महादेव को समी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार, बाबा को चंदन का लेपन, अभीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा, शमी पत्र जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है, मानव का जो देह है ये तो चलना है, जीवन पर्यांत चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना, प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जानता, प्रैक्टिकल करने में क्या जानता, करके देखना, उस समय पर बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और सात शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात करते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित, पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अभीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात, एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर सात शमी पत्र के पत्ते एक एक कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर नहीं, एक एक कर बाबा से विनती करते हुए, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तू मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल, खाली